कहीं किसी ना किसी अंश में स्वार्थ छिपा ही रहता है। निस्वार्थ प्रेम संसार में नहीं हो सकता। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज ने एक पद में कहा है, बड़ा सुंदर सूरदास जी का पद है, प्रीति की रीति को पैनो ही न्यारो, के जाने वृष भानु नंदिनी, के जाने वह नंद दुलारो, प्रीति किरी गति सर्प की भांति वक्र होती है। सांप भले ही सीधा चले, चाहे वो सीधी दिशा में जाए, पर फिर भी वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। प्रेम की गति को समझ पाना ही संसार के जीवों के लिए कठिन है, फिर निभा पाना तो बहुत दूर की बात है। बात करने से कोई प्रेमी सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, तुम हमारे प्राण प्रियतम हो, हमें प्राणों से अधिक प्यारे हो, केवल ऐसा कहने मात्र से प्रेम की सिद्धि नहीं हो सकती है। सूरदास जी कह रहे हैं, बातन प्रीति ना होय सखीरी, यह अपने जिया सोच विचारो। शीश दिए बिना होए न गुजारो, रीति की रीति को पैनो ही न्यारो। सूरदास, यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिन होए ना गुजारो। प्रेम बलिदान का मार्ग है, बलिदान का। जब तक बलिदान नहीं है, जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं है, अपनी कामना वासनाओं का त्याग नहीं है, तब तक प्रेम की सिद्धि सर्वथा असंभव है। गोपियों की स्थिति देखो, गोपी गीत का आखिरी श्लोक है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित कूर्पादभिर्भ्रमति धीर्भवदाम युषाम्नः। श्री कृष्ण के साथ रमण कर रही है गोपी, श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है, पर श्याम सुंदर के चरण कमलों को वक्ष पर धारण करके उसे अपने सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। बारंबार बस एक ही चिंतन में मग्न है कि कहीं मेरे कठोर वक्ष से श्री कृष्ण के कोमल कोमल पादाम्बुजों को कष्ट तो नहीं हो रहा है। उस रमण विलास की स्थिति में भी उसे सर्वथा श्री ठाकुर जी के ही सुख की स्मृति है। जहां हर व्यवहार, हर क्रिया, शरीर का हर व्यापार अपने प्रेष्ठ के सुख के लिए, अपने इष्ट के सुख के लिए, अपने प्रियतम के सुख का संपादन करता है, वह क्रिया, वह व्यवहार प्रेम की सिद्धि करता है।